तो मेरे भाई आज जो फोटो एडिटिंग हम आप लोग को सिखाने वाले हैं वो बहुत ही कम टाइम में एक अमेजिंग सा फोटो एडिटिंग होने वाला है जिसको आप लोग अपने फोटो पे करके ना पूरे सोशल मीडिया पे तहलका मचा सकते हैं। और इस एडिटिंग की नाम की बात करें तो आप लोग न्यू ब्लू टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग इसे बोल सकते हो। और इस तरह का एडिटिंग आज आपका भाई सिर्फ और सिर्फ स्नैपसीड ऐप से सिखाने वाला है। तो प्लीज आप लोग वीडियो कंप्लीट वॉच करें, नहीं तो आप लोग अच्छे तरह से समझ नहीं पाओगे। और यदि आप लोग को एडिटिंग पसंद आती है ना, उसके बाद वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो गाइज आप लोग ध्यान से देखते रहिए और प्लीज आप लोग वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग को जो भी फोटो को एडिट करनी होगी सिंपली उस फोटो को गैलरी से लेके और शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस फोटो को हम डायरेक्ट ओपन कर लेंगे स्नैपसीड ऐप के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हम स्नैपसीड ऐप में इस फोटो को ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद देख सकते हो अभी फोटो कैसा है, मतलब कितना नॉर्मल है जो कि अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, आप लोग को सबसे नीचे यहाँ पे साइड में मिल जाएगा पेंसिल का ऑप्शन, तो सिंपली उस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ से क्या करना होगा ना, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो यहाँ पे जाएंगे आप लोग टीन इमेज वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे जाने के बाद पहला काम क्या रहेगा, आप लोग ध्यान से देखते रहिए यहाँ से भी। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम यहाँ से हाईलाइट को आप लोगों को क्या करना होगा, हल्का प्लस करना होगा, जैसे कि प्लस 24 के राउंड इतना काम कर लेंगे। उसके बाद आप लोग को क्या करना होगा, ऊपर घसकाना है और ऊपर करने के बाद आप लोग को सेचुरेशन को इसको कर देना होगा माइनस, यहाँ पे माइनस 49 या फिर 50 तक चलेगा। उसके बाद ब्राइटनेस को हल्का बढ़ा लेंगे जैसे कि प्लस 23 के राउंड, इतना सारा काम हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को नीचे डन वाले ऑप्शन से इसको भी कर देना होगा डन, तो ये जो कि ये रहेगा वो सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से भी अभी ठीक करना होगा, तो यहाँ पे आप लोग कॉन्डो वाले ऑप्शन पे जाना है और जाने के बाद यहाँ से जाएंगे व्यू एडिट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे जाने के बाद क्या करेंगे ना, एक टीन इमेज का आप लोग को फाइल मिल जाएगा जैसा कि ये रहा, तो सिंपली वहाँ पे क्लिक करेंगे और बीच में आप लोग को एडिट वाले ऑप्शन पे कर देना होगा क्लिक। ठीक है भाई, इतना सारा काम हो चुका है। उसके बाद अभी आप लोग ध्यान से देखते रहिए एक चीज को, तो आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे टीन इमेज 100 है तो पूरा 100 ही रखिएगा, अगर नहीं है 100 तो पूरा बढ़ा लीजिएगा। और बढ़ाने के बाद आप लोग को क्या करना होगा, इसको सिर्फ और सिर्फ अपने स्किन पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्किन यहाँ पे कितना अच्छा तरह से गोरा हो रहा है। ठीक है, तो ये ट्रिक कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से हम आराम आराम से इसको सिर्फ और सिर्फ अपने स्किन पे अप्लाई करेंगे। आप लोग भी एकदम आराम आराम से कर लीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको फटाफट से कर लेते हैं और ये काम कर लेंगे तो देख सकते हो स्किन और फेस कितना अच्छा तरह से यहाँ पे व्हाइट हो जाएगा। उसके बाद फिर से आप लोग को नीचे डन वाले ऑप्शन से डन करके एक बार कर देना होगा यहाँ से बैक। ठीक है, डन करके बैक कर देंगे। उसके बाद क्या करना होगा, आप लोग को फिर से टूल्स वाले ऑप्शन पे ही जाना है, यानी पेंसिल वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे जाएंगे और जाने के बाद अभी आप लोग को क्या करना होगा, अभी आप लोग को फिर से यहाँ पे ट्यून इमेज वाले ऑप्शन पे ही चले जाना है। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, अभी हम सेचुरेशन को पूरा -100 कर देंगे यहाँ पे, इस बार पूरा -100। उसके बाद फिर से कर देना होगा अप्लाई और इसको भी यहाँ पे एडजस्ट करना है, तो वो कैसे करना होगा, आप लोग को फिर से अंडो वाले ऑप्शन पे ही जाना है, यहाँ पे सेम काम करेंगे मानिए तो। उसके बाद फिर से व्यू एडिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे ट्यून इमेज वाला एक दूसरा फाइल आप लोग को मिल जाएगा सबसे ऊपर, वहाँ पे क्लिक करके बीच में एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इतना सारा काम हो चुका है। उसके बाद अभी आप लोग को यहाँ से कर देना होगा इनवर्ट। ठीक है, यहाँ से इनवर्ट कर दीजिएगा तो पूरा फोटो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। इतना सारा काम हो चुका है। उसके बाद अभी आप लोग ध्यान से देखते रहिए, आप लोग यहाँ पे ट्यून इमेज जो पूरा जीरो दिखाई दे रहा है तो ये जीरो ही रहना चाहिए, अभी पहले 100 था अभी जीरो रखना है। उसके बाद इस इफेक्ट को अपने सिर्फ और सिर्फ स्किन पर से इरेज कर लेना है, अगर स्किन पे ये ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट छोड़ देते हैं तो फोटो पूरा खराब हो जाएगा एकदम अच्छे तरह से। तो अपने स्किन पे से ये ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट एकदम अच्छे तरह से इरेज कर लीजिएगा। और मान लीजिए कपड़ा पे से भी इरेज हो जाता है तो आप लोग को ट्यून इमेज को 100 कर देना है। उसके बाद कपड़ा पे से इसको भी अप्लाई कर देंगे। उसके बाद फिर से क्या करना होगा, ट्यून इमेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे, पूरा इसको जीरो कर देंगे। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे जीरो कर देंगे और जीरो करने के बाद फिर से क्या करना होगा, अपने स्किन पे ही अप्लाई कर देना होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको फटाफट से कर लेते हैं और इतना सारा काम हो जाएगा। उसके बाद इसको भी फिर से क्या करेंगे, डन करके एक बार कर देना होगा आप लोग को बैक। ठीक है, तो यहाँ से ये रहा बैक का ऑप्शन, तो सिंपली यहाँ से इसको कर देंगे बैक, तो अभी जो काम किए रहिएगा वो एकदम अच्छे तरह से सेव हो जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद क्या करेंगे, फिर से टूल्स वाले ऑप्शन पर ही जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद अभी आप लोग ध्यान से देखते रहिए आप लोग को क्या करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे SDR इफेक्ट वाले ऑप्शन पर नहीं जाना है, आप लोग को नीचे यहाँ पे विंटेज वाले ऑप्शन पर चले जाना है। ठीक है, जैसा कि ये रहा विंटेज वाला ऑप्शन, तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आप लोग को सबसे लास्ट में 12 नंबर को से इफेक्ट को मतलब सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे विग्नेट स्ट्रेंथ को रख देंगे आप लोग को यहाँ पे प्लस 18 के राउंड। उसके बाद डन कर देना है और डन करने के बाद यहाँ पे फिर से पेंसिल वाले ऑप्शन पे ही जाएंगे, यानी टूल्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद अभी आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है टीन इमेज का, तो फिर से टीन इमेज वाले ऑप्शन पे जाके और सबसे नीचे आप लोग को जाना है यहाँ पे वर्म्थ वाले ऑप्शन पे। ठीक है, तो यहाँ पे जाके इसको कर देंगे हम पूरा -100, तो ये करना आप लोग नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पे -100 कर देंगे, उसके बाद फिर से कर देना होगा इसको अप्लाई, यानी डन कर देना है। और उसके बाद क्या करेंगे, फिर
फिर से अंडो वाले ऑप्शन पे ही जाएंगे और यहाँ से फिर से जाएंगे व्यू एडिट वाले ऑप्शन पे, सेम काम करेंगे इस पे। इस बार भी हम क्या करेंगे, फेस पे से इरेज कर लेंगे ये ब्लू इफेक्ट को, उसके बाद फिर से एडिट वाले ऑप्शन पे जाके और यहाँ पे कर देंगे इन्वर्ट। और इन्वर्ट करने के बाद अभी आप लोग को क्या करना होगा, अभी आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो आप लोग को यहाँ पे नीचे मिल जाता है ट्यून इमेज का ऑप्शन, तो इसको यहाँ पे रख देना होगा, मतलब पूरा जीरो कर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ से 100 था तो जीरो कर दिया है, और जीरो करने के बाद अपने स्किन को यहाँ पे जूम कर लीजिएगा और अपने फेस या फिर अपने स्किन जो होगा पूरा उस पे से इरेज कर लीजिएगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। तो ये काम कर लेंगे, उसके बाद फिर से इसको कर देना होगा डन करके, यहाँ से एक बार कर देना होगा यहाँ से बैक, ठीक है। तो यहाँ से डन करके बैक कर देंगे, उसके बाद इसमें दो तीन काम और बाकी है जो कि फोटो को और भी ज़्यादा मस्त बना देगा। तो यहाँ पे फिर से पेंसिल वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे चले जाना होगा आप लोग को कर्व वाले ऑप्शन पे, ठीक है भाई। इतना सारा काम हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को एक चैनल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी हम क्या करेंगे ना, यहाँ से कर लेंगे रेड कलर को सिलेक्ट, और रेड कलर को सिलेक्ट करने के बाद आप लोग ध्यान से देखते रहिए, इधर आप लोग को लाइनिंग मिल जाता है, इसको पकड़ के और कुछ इस तरह से नीचे की ओर यहाँ पे डाउन कर देंगे, ठीक है। तो और ज्यादा ब्लू हो जाएगा, उसके बाद फिर से चैनल वाले ऑप्शन पे जाके और यहाँ पे ब्लू वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे लाइनिंग को बीच से पकड़ के इस पर क्या करेंगे, हल्का ऊपर की ओर उठा देंगे, मतलब हल्का ही उठाएंगे, ज्यादा नहीं। उसके बाद फिर से आप लोग को कर देना होगा डन, और डन करने के बाद आप लोग को फिर से सेम काम करना है, अंडो वाले ऑप्शन पे जाएंगे, व्यू एडिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और सबसे ऊपर कर्व वाले ऑप्शन पे जाना है और फिर से बीच में एडिट वाले ऑप्शन पे चले जाना है, ठीक है। इतना सारा काम हो चुका है, उसके बाद यहाँ से कर देंगे इन्वर्ट, ये तो मैंने पहले भी बताया था। उसके बाद कर्व यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे इसको कर देंगे पूरा जीरो, ठीक है। जीरो करने के बाद इसको क्या करेंगे, इस इफेक्ट को भी अपने स्किन पर से एकदम अच्छे तरह से एकदम आराम आराम से इसको इरेज कर लेंगे। और इतना सारा काम हो चुका है, उसके बाद क्या करेंगे, फिर से इसको डन करके कर देंगे बैक, ठीक है। डन करके आप लोग को ऊपर में यहाँ पे मिल जाता है बैक का ऑप्शन, तो सिंपली यहाँ से कर देंगे बैक। और फाइनली मानिए तो एडिट एकदम अच्छे तरह से कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसमें एक काम और बाकी है, तो फिर से टूल्स वाले ऑप्शन पर जाकर चले जाएंगे डबल एक्सपोजर में और यहाँ पे ओपन इमेज वाले ऑप्शन पर जाके यहाँ से हम क्या करेंगे, एक PNG को एड करेंगे जो कि फोटो में छोटा छोटा मतलब व्हाइट टाइप का स्नो टाइप का PNG आ जाएगा, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। उसके बाद स्टाइल वाले ऑप्शन पर जाके और यहाँ से आप लोग को कर देना होगा, सॉरी डार्कन नहीं करना है, यहाँ से कर देना होगा लाइटन, ठीक है। लाइटन कर देंगे और ये जो PNG है सिंपली PNG को पकड़ के दोनों फिंगर से और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे और हल्का जूम कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और मान लीजिए ये छोटा छोटा सुनू टाइप का PNG फेस पे आता है तो इसको फेस से बचा के यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद नीचे से फिर से कर देना होगा डन। और डन करने के बाद फाइनली यहाँ पे एडिटिंग हो चुका है कंप्लीट, और बिफोर और यहाँ पे आफ्टर देख सकते हो फोटो में कितना ज़्यादा चेंजिंग हो चुका है इतना आसान तरीका से। और इस तरह का फोटो एडिटिंग करना कितना ही आसान था आप लोगों ने देख ही लिया, और इसको गैलरी में सेव करने के लिए आप लोग को शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फोटो एकदम बेस्ट क्वालिटी में गैलरी में सेव होकर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये एडिटिंग एकदम अच्छे तरह से समझ में आ गई होगी, और यदि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।